तो अगर लुक वाइज देखा जाए तो सामने से आप देख सकते हो कुछ इस तरह का लुक आपको दिखेगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट इसका बात करते हैं सामने से हेडलाइट की ओर, तो ये देख सकते हैं हेलोजिन है, इसका एक एडिशन और है जिसमें एलईडी है, तो उस एडिशन का भी बात नहीं कर रहे हैं, इसी एडिशन का बात करते हैं। बाकी एक एक करके अगर देख सकते हैं डीओ, तो इसका सारा रिव्यू हम बताएंगे आपको एक एक करके, एक एक करके सारा जानकारी देंगे क्या है ऑन रोड प्राइस, क्या है शोरूम प्राइस, क्या सारा कुछ एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, और अगर कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और जो सब्सक्राइब कर चुके पहले से बहुत बढ़िया बात है, थैंक यू धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो अगर लुक वाइज देखा जाए तो सामने से आप देख सकते हो कुछ इस तरह का लुक आपको दिखेगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट इसका बात करते हैं सामने से हेडलाइट की ओर, तो ये देख सकते हैं हेलोजिन है, इसका एक एडिशन और है जिसमें एलईडी है, तो उस एडिशन का भी बात नहीं कर रहे हैं, इसी एडिशन का बात करते हैं। बाकी एक एक करके अगर देख सकते हैं तो इसमें आपको ये आप देख सकते हैं मीटर इसका जो कुछ इस तरह का नज़र आएगा, लेफ्ट साइड से देख सकते हैं लो बीम हाई बीम ये इंडिकेटर और नीचे हॉर्न का स्विच। आगे आ जाइए सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा आपका, और ये सामने यहाँ पे कुछ स्टोरेज रखने के लिए मिल जाएगा, बाकी ये सीट ओपन करने के लिए और फ्यूल वाला की चाबी यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये फ्यूल वाला है जो यहीं से आपका फ्यूलिंग होगा, और ये बैकलाइट कुछ इस तरह से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये डीओ का लोगो कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, और ये साइलेंसर एग्जॉस्ट, और ये ऊपर से इसका फिनिशिंग दिया हुआ है मतलब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट अगर इसका टायर का बात करें तो 1810 इंच का टायर है, और ये साइड फुटरेस्ट मतलब पिलियन को बैठने के लिए, और आगे की ओर देख सकते हैं तो फ्रंट टायर आपका ये आपको आ जाता है 80-90-12 मतलब 12 इंच का रिम इसका रहेगा, मतलब पीछे का टायर से अगला टायर थोड़ा सा बड़ा, और ये आपका लग जाएगा यहाँ पे नंबर प्लेट, और ये दोनों साइड से मिरर, एक ये और एक ये, तो दोनों साइड से आपका ये मिरर लग जाएगा। बाकी ये आपका सामने से लुक कुछ इस तरह का दिखेगा, और ये आपका ब्रेकिंग सिस्टम इंटीग्रेट ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब आप पीछे का ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपका दोनों ब्रेक लेगा, और ये साइड रिफ्लेक्टर जो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है मोटर स्कूटर का जो काफ़ी अमेजिंग लुक लग रहा है यहाँ पे अगर देखा जाए। उसके बाद अगर नेक्स्ट इसका बात करते हैं हम तो थोड़ा ये स्कूटी भी गंदी लग रही क्योंकि ये डस्ट में खड़ी है ना बाहर, इसलिए और ये आपको आ जाएगा किक स्टार्ट, मतलब अगर आपको बैटरी वगैरह डिस्चार्ज हो सेल्फ से स्टार्ट में प्रॉब्लम करे तो इजीली आप यहाँ से किक स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये आपका आ गया डबल स्टैंड जो गाड़ी को इजीली आप मतलब कहीं भी पार्क कर सकते हैं, और साइड स्टैंड यहाँ पे लगता है जो भी खुला हुआ है, ये आपको बाइक मतलब सॉरी स्कूटी जब परचेज करते हैं तो आपको ये आपको लगा के ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर इसका बात करते हैं तो ये पाइप जो रेड कलर का दिख रहा है ये एयर क्लीनर वाला है मतलब एयर लेने के लिए, और ये आपका क्लच आ जाएगा जो सारा कुछ अभी खुला हुआ रहता है, ये आपको सारा कुछ फिटिंग करके मिलता है, और ये ब्रेक लॉक करने के लिए जो काफ़ी कमाल का फीचर्स लगा हमको यहाँ पे। नेक्स्ट अगर इसका आप हम क्लस्टर पर आते हैं मीटर की ओर तो एक यहाँ पे होंडा का लोगो मिलेगा जो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है देखने में, और ये फ्यूल का ये साइड दोनों इंडिकेटर का। नेक्स्ट यहाँ पे लो बीम हाई बीम, और ये साइड आ जाएगा आपका FI का लाइटिंग, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका स्पीडोमीटर और ये किलोमीटर बताएगा कितनी किलोमीटर गाड़ी आपकी चल चुकी है, और ये आपका फ्रंट ब्रेक हाँ, और ये एक्सलेटर। और सबसे अच्छा चीज़ ये लगा जो अभी न्यू मॉडल में ये आपका दे रहा है इसका मतलब हैंडल को मतलब अच्छा बैलेंस रखने के लिए, और ये आपका DRL जो DRL मतलब आपको पता होगा नहीं पता तो बता देते, ये हमेशा आपका लाइट जलते रहेगा दिन हो रात हो, ये बंद नहीं होगा ये चीज़ है, और यहाँ पे एक थोड़ा सा हुक मिल जाएगा। तो गाइस ये हमारा होंडा डियो का रिव्यू कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करते शेयर करते, और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। और आपको कौन सा बाइक का स्कूटी का रिव्यू चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं, तो नेक्स्ट हम उसी पे लेके आएंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद।